शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। वहीं शिमला के बालूगंज वार्ड से चुनाव लड़ रही पूर्व पार्षद किरण बाबा का कहना है कि वार्ड के लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। वहीं किरण ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। किरण बाबा ने कहा कि बालूगंज वार्ड के सभी लोग शिक्षित हैं, वार्ड के लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने विशेष जो हमारा नेतृत्व है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ओपन सीट से इस बार फिर टिकट दिया, क्योंकि ये हमारा वार्ड था, ये ओपन था और उससे पहले मैं 5 साल यहाँ से पार्षद रही हूँ। मुझे बालूगंज वार्ड की जनता का भरपूर सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम लोग पहले भी भारी बहुमत से जीते थे और अब भी जीतेंगे। आप जहाँ तक बड़े कार्यों की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि पिछले 30 साल में और 3 साल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि 30 साल में कांग्रेस का ही पार्षद रहा, एक ही परिवार के पार्षद रहे, तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि इस पूरे वार्ड में उन्होंने कभी हटकर देखा भी होगा। सिर्फ वोट मांगने आते थे, जीत जाते थे, लोगों से कसमें खिला लेते थे, लेकिन हमने इन 5 सालों में जो मुझे 3 साल का पीरियड मिला, क्योंकि 2 साल हमारे कोविड में रहे, तो हमने 3 साल में वो करके दिखाया। बेसिक से लेके जहाँ तक आप बोलते लाइट्स की बात है, सीवरेज की बात है, आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही मैं बनी थी, मैंने यहाँ पे देखा सीवरेज कनेक्टिविटी नहीं थी, गलियों में लाइट्स नहीं थी, पानी की दिक्कत थी, और इसके अलावा जो ये बेसिक नीड्स थी, उसके अलावा जो हमने, आपने बोला कि बड़े 5 कार्य आपने क्या किए, हर एरिए को मैंने डेवलप करवाया, हर एरिया में हमने पार्किंग, पार्क और जितने सड़कों के काम थे वो करवाए, लाइट्स लगवाई, हाई मास्क लाइट लगवाई। आपने देखा होगा स्वर्ण वाटिका, पूरे हिमाचल में जो पहली वाटिका है वो मेरे ही वार्ड में बनी है, मिनी स्टेडियम बालूगंज में, उसके अलावा वहाँ पर पार्क भी बनवाया। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकती हूँ कि 6 महीने एम्बुलेंस रोड्स बनाई, और इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि 21 करोड़ के काम मैंने 3 साल के कार्यकाल में पूरे किए। देखिए, विकास है, विकास निरंतर चलता है और चलना भी चाहिए। विकास में हमने पिछले 3 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार मैं, अब इस बार एक नया एक मोटिव है मेरा कि मैं अपने पूरे बालूगंज वार्ड को नशा मुक्त करवाना चाहूँगी। मैंने पहले भी ये मुहिम छेड़ी थी, लेकिन अब विकास के साथ साथ जो मेरी बहनें जहाँ पे, जब से ये मैंने देखा कि कांग्रेस सरकार आई है, इतना क्राइम बढ़ा है, आपने देखा होगा बच्चे नशों में चले गए हैं, पहले तो सिर्फ शराब तक ही सीमित थे, लेकिन अब जब मैं निकलती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी बहनें जिनके घरों में एक एक बच्चा वो बर्बाद कर दिया, मैं इस सरकार के को बोलना चाहूँगी कि उन बहनों की हालत देखिए। और इसीलिए ये मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि विकास के साथ साथ मैं यहाँ से अपने पूरे बालूगंज वार्ड को एक नशा मुक्त करूँगी, और जो हमारे बच्चे इस नशे में पड़ चुके हैं किसी कारणवश, उनके लिए मैं आगे आऊँगी और ये मुहिम चलाऊँगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया जाता है। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के भराड़ी में इस कार्यक्रम को सुना। यात्रा शुरू की थी विजयादशमी यानी बुराई का पर्व, मन की बात भी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम रामायण व महाभारत की तरह लोकप्रिय हुआ है, जिससे कई लोगों के जीवन में तब्दीली आई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के 100 संस्करण ऐतिहासिक हैं। मन की बात कार्यक्रम कई लोगों के लिए प्रेरणा बना है, जिससे रोजगार के मार्ग भी सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की देश के साथ विदेशों में भी सुना जा रहा है। इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिला है।
आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया है और प्रदीप सांगवान से बात की है, जो हिमालय क्षेत्र में कचरे को उठाकर स्वच्छता के साथ रोजगार के अवसर भी इससे पैदा कर रहे हैं। शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, इसलिए बीजेपी नेताओं ने इसे सभी वार्डों में सुना है। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी इन चुनावों में जीत हासिल करेगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बिना रुके बिना वादा के 100वां एपिसोड पूरा हो गया मन की बात का। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतवासियों के लिए मन की बात एक ऐसा एक विषय बन गया है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जिस तरह से किसी वक्त रामायण और महाभारत को देखने के लिए लोग सारा काम छोड़ करके टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते थे, और उसी तरह से मन की बात का ये कार्यक्रम आगे बढ़ करके आज पूरे देश के दुनिया के लोगों के दिल दिमाग में बैठा है। और सबसे बड़ी बात इसमें है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्तियों से, जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है और जो प्रेरणा देता है दूसरे लोगों को, तो ऐसे लोगों से बात करके उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनको एक्सपोजर भी मिलता है। और एक्सपोजर के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उनके जीवन से लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और इस दृष्टि से ये मन की बात का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है, और मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जैसे कहा कि चरैवेति चरैवेति, हम इस कार्यक्रम को आगे भी चलाते रहेंगे, चलते रहेंगे और निरंतर चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई दी। जो हिमाचल में जिन्होंने काम किया, प्रदीप सांगवान जी ने, जिनने पर्टिकुलरली जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है, उनका भी जिक्र हुआ है। और प्लास्टिक यूज पर हिमाचल ने पहले से बैन लगाया है, लेकिन अपने 2018 में जो कुछ चीजें बच गई थी जिसको बैन करने की जरूरत थी, जैसे कटलरी वगैरह सारा, ये जो शादी वगैरह होते हैं, बड़े फंक्शन होते हैं, उसमें प्लास्टिक के प्लेट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसको भी हमने बंद करने की दिशा में कदम उठाया और उसमें हमने सफलता हासिल की है। और खासतौर से प्रधानमंत्री जिस बात के लिए विशेष तौर से प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, इस बात को लेकर के, और उसमें निश्चित रूप से उस दृष्टि से बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है लोकल चीजों को प्रमोट करने का, और उससे लोगों का जीवन का एक जीने का रास्ता भी बना है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम मंडी का जब गठन किया गया था तो बहुत से गांवों को नगर निगम के दायरे में लाया गया था, और उस समय पूर्व की सरकार ने 3 साल तक किसी भी प्रकार का कर न लेने की बात कही थी। यह सरकार नगर निगम मंडी के बहना वार्ड के पार्षद कृष्ण भानु ने कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम मंडी को बने हुए 3 साल होने जा रहे हैं और अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें शहर की तरह मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है, और अभी सरकार को 2 साल और सभी प्रकार के करों में छूट देनी चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर निगम मंडी की साधारण बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इस अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जाए, जब तक ग्रामीणों को शहर की तर्ज पर सारी सुविधाएं उपलब्ध न हो। नगर निगम बनाने के लिए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। उस टाइम जो है नगर निगम को 3 साल के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सरकार ने किसी भी प्रकार के लिए जो है छूट दी थी। मैं बहना वार्ड का जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अवधि को 2 साल और बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक शहर की तरह कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो है ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं है।
अभी तक लोगों की पक्की सड़क, रास्ते, सीवरेज और भी बहुत सारी सुविधाएं जो अभी ग्रामीणों को जो है उपलब्ध नहीं है। मैंने इस विषय को निगम की साधारण बैठक में प्रमुखता से उठाया और निगम की तरफ से एक मांग पत्र जो है प्रदेश सरकार को जो है भेजा जाएगा। सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इस अवधि को जो है 2 साल और बढ़ाया जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के लिए चुनाव थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस भाजपा ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी कल्याण धीमान के लिए प्रचार किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आती है तो बताया गया कि भाई पिछले कल यहां पर सुखू भाई जी आए थे और सुखू भाई जी आए थे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर अगर चुन करके भेजेंगे तो काम नहीं होगा। सुखू भाई आप ऐसा मत सोचिए कि आप मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बन गए तो जो आप करेंगे तो वही होगा। अगर यहां आप सरकार का हिमाचल प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं कि यहां उनकी सरकार है तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से यहां से कि दिल्ली में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर शिमला की कॉरपोरेशन के अंतर्गत आज अगर काम हो रहे हैं सारे तमाम के तमाम काम वो हो रहे हैं जिसके लिए पैसा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इस बात को उनको समझना चाहिए। कहा कि मेरे गांव से यहां पर जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मेरे गांव के हैं। गांव के हैं तो भाई गांव में रहने दीजिए। यहां का चुना हुआ प्रतिनिधि कैसा होगा वो यहां के लोग तय करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज एक बार फिर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस में जिस रूप में गारंटियों को जनता के सामने पेश किया गया उस रूप में अब पूरा नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के गुमराह करने के तरीके को लोग समझ गए हैं। मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, ऐसे में शिमला का विकास बीजेपी केंद्र के सहयोग से करेगी। राजीव बिंदल ने कहा कि रोपवे व पानी की स्कीम के लिए करोड़ों रुपए केंद्र हिमाचल को देगा। बीजेपी के कामों का श्रेय कांग्रेस चुनावों के समय लेने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने कहा कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की बात कोई नई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल जयराम सरकार ने किया, कांग्रेस तो इसमें 4 महीने लेट हो गई है। नगर निगम शिमला के चुनावों के समय डीए व नियमितीकरण को नए तरीके से पेश कर फायदा लेने की कोशिश हो रही है। किस बूथ में कितने लोग और कौन कौन नेता उसमें रहे वो सारा प्लान चार्ट ये है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हम ये मान के चल रहे थे कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को सत्ता में लेकर के आई और सत्ता में आने का जो कारण बना लोक लुभावन गारंटियां जो कारण बना
उस पर चार महीने में तो कुछ नहीं किया, हो सकता है कॉरपोरेशन चुनाव के कारण ही शायद जनता को वो गारंटियां मिल जाए। तो वो गारंटियां तो नहीं मिली, वी आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग, जनता भी इंतजार कर रही थी, एक चुनाव निकल गया दूसरा आ गया, हो सकता है उसके लिए वो गारंटियों की बात हो जाए। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के चुनावों का प्रचार आज थम गया है। प्रचार से पहले बड़े नेता दिन भर चुनाव में जुटे रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के प्रचार के लिए पहुंचे और लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। उमंग बंगा ने कहा कि प्रचार के दौरान लोगों से काफी अच्छा सहयोग मिला है। पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह के कार्य लोगों ने काफी सराहे हैं और यह भी वजह है कि लोगों से इस तरह का प्यार मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है ताकि एक उदाहरण पूरे शिमला के लिए सेट किया जा सके कि जितने भी शिमला में वार्ड हैं उन सबसे अच्छा वार्ड होना चाहिए, क्योंकि मिडिल बाजार वार्ड माल रोड के साथ सटा वार्ड है। जो भी पर्यटक शिमला घूमने आते हैं वह इस वार्ड में जरूर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद भी आए थे और उन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं उसी दिन कर दी है। वहीं तारों के जंजाल को लेकर उन्होंने कहा कि शहरी विधायक हरीश जनरथा ने पहले ही इसको लेकर संज्ञान ले लिया और तारों को जल्द ही जमीन के अंदर तारों को बिछाया जाएगा। जी, अभी जितनी भी मेरी जर्नी रही है कैनवसिंग के और कैंपेनिंग के दौरान, तो हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता इसी तरह का सहयोग मेरे साथ आगे भी करेंगे, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी मैंने कभी इतनी एक्सपीरियंस की नहीं है जितनी इस अपने कैंपेन के दौरान की है। कुछ रीज़न ये भी रहा है कि जो मेरे हस्बैंड थे यहाँ के पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह जी, उनके काम काफ़ी लोगों ने सराहे हैं, अप्रिशिएट किए हैं, और शायद उसी वजह से ये रीज़न है कि मुझे उस स्वरूप ये प्यार मिला है इस वार्ड से। तो क्या लगता है कहीं इश्यूज़ को लेकर आप? जी, इश्यूज़ तो जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो पहली तो एम यही है कि हमने इस वार्ड को जो मिडिल बाज़ार और हमारा मॉल रोड का वार्ड है इसको हमने एक आदर्श वार्ड बनाना है कि एक एग्जांपल सेट करेंगे हम कि जितने भी शिमला में वार्ड्स हैं ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट वार्ड्स होना चाहिए, क्योंकि जितना टूरिस्ट है जो शिमला में आता है वो मॉल रोड को ज़रूर विज़िट करते हैं और हमारा जो वार्ड है मॉल रोड एंड मिडिल बाज़ार वो इसको बिल्कुल टच करता हुआ वार्ड है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इसको एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए जो हमारी कैपेसिटी में जो होगा, क्लेनलीनेस को लेके, जो तारों के जंजाल को लेके बात हुई है पहले, गार्बेज को लेके बात हुई है, मंकी मैनर्स को लेके बात हुई है, जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो सारे सॉर्ट आउट करेंगे। और आपने देखा भी होगा अब हमारे वार्ड पे हमारे चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे और उन्होंने 5 अनाउंसमेंट्स तो उसी दिन कर दिए हैं हमारे वार्ड के लिए। हालांकि अभी आप देखिए कि अभी तो हमारे इलेक्शंस अभी प्रोसेस में हैं, बट उन्होंने फिर भी ये देखते हुए कि कांग्रेस का जो पार्षद यहाँ से चुना जाएगा, उन्होंने प्रॉमिस करके गए हैं कि डेफिनेटली हमारी डिमांड्स को वो कंसिडर करेंगे और इस वार्ड की जितनी समस्या है वो सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर जो ये तारों का इशू है, ये आपने अगर आपने सोचा होगा या सुना भी होगा पहले कि हरीश जनारथा जी ने जो पिछले टाइम विजिट किया था उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी हमारे स्टेट का एक बजट है ऑफ 30 करोड़, इवन मोर देन दैट, वो उन्होंने ऑलरेडी, ये किसी के बोलने की बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन ये अमाउंट किया हुआ है डक्टिंग के लिए। ये जो वायर्स हैं जो हैंग कर रही हैं, जो लटकी हुई हैं, इनकी डक्टिंग प्रॉपर होएगी और ये आप देखेंगे कि जो हमारे को ये 5 वर्ष का टाइम मिला हुआ है इसके अंदर अंदर ही आप देखेंगे ये सारी वायर्स यहाँ से अच्छे से, मतलब साफ सुथरी तरह से ये हैंडल होंगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आखिरी दौर के प्रचार में दोनों दल पूरा जोर लगा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और निगम में अब असल में डबल इंजन की सरकार बनने की बात कही है। विक्रमादित्य ने 5 सालों में भी सभी गारंटियों को पूरा करने के साथ ही स्मार्ट सिटी में पैसों की बर्बादी की जांच करने को कहा है। विक्रमादित्य ने कहा कि एमसी में काबिज होने के बाद इसकी जांच की जाएगी। जो भी हमने बातें हमने चुनाव के मैनिफेस्टो में विधानसभा के मैनिफेस्टो में जब चुनाव कर रहे थे उसमें नहीं थी, उनपे ये सरकार और मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हर चीज पे हम पूरी मजबूती से खड़ा उतर रहे हैं। और सारी चुनावी बातें मुख्य रूप से जो हमारी गारंटियां बारी बारी ये बात विपक्ष द्वारा उठाई जाती है कि हमने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया। इस बात पे मुख्यमंत्री जी ने भी नेता जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैटेगोरिकली समय समय पर इस चीज का तथ्यों के साथ खंडन किया है। पिछले 2 दिन पहले हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी भी शिमला में आए थे, नहीं उन्होंने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑल द गारंटीज दैट वी हैव कमिटेड इन द विधानसभा इलेक्शंस। उसमें जो सबसे नंबर वन पे थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली प्रदेश के अंदर करवा जा चुकी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और जो हमारा शहर केंद्र सरकार को जाता है उसको भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। और ये देखिए जयराम जी, मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार 5 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ चले, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा, आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके हैं मगर अभी भी पहले आप मुकेश जी के ऊपर तंग करते रहे 5 साल की आप उसी के ऊपर बैठते ही नहीं है, इसे कांटे लगे हुए। अब वही बात आपके और जिस तरीके से एक मेच्योर लीडर की कथा उनको ये जनता का जनादेश को स्वीकार करकर एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष के नेता की निभानी चाहिए, उसमें ये सरकार उसमें नेता प्रतिपक्ष पूरी तरीके से विफल रहे। और तथ्य भी बातें और अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये सही नहीं है। 5 साल उनकी सरकार रही, हमने तो कभी सरकार की उनकी सरकार दे दी, हमने तो 5 साल विपक्षी भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया, इशू को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। इसलिए उनको उस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।